हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज लाई हूँ आपके लिए कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने ये 1 केजी का कटहल लिया है। मैं आधा ही बनाऊँगी, 1 केजी ज़्यादा हो जाएगा। हमने 3 आलू लिए हैं, 2 टमाटर, 2 प्याज, छोटी छोटी 4 गांठ लहसुन का है। इन सभी को साइड कर लेंगे। कटहल को कट कर लेते हैं। ये हमने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। देखिए बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा कटहल है। हम आधा को साइड कर लेंगे, आधा ही बनाएंगे। कटहल छीलने के लिए हमने कटोरी में तेल लिए हैं। हाथ में थोड़ा सा इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमारा हाथ चिपचिपा ना हो। इसका दूध लग जाता है ना तो साफ नहीं होता, इसलिए पहले से ही तेल लगा के रखिए, धोने में आसानी होती है। इस तरह से हम पीसेस कट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कट करेंगे। अब हम इसका इस तरह से छिलका उतार लेंगे। बहुत ही ईजिली इसका छिलका निकल कर रेडी हो गया है। तो हम बड़े से बर्तन में पानी लिए हैं, पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह से सभी को छिलकर रेडी कर लेंगे। सारे कटहल को हमने छिलकर रेडी कर लिए हैं। फटाफट से हाथ चॉपर साफ कर लिए हैं, नहीं तो वो चिपक जाता कटहल का दूध। इसको एक बार धो लेंगे। कुकर में डालेंगे। ये क्या है? इसका नाम कटहल है बेटा। कटहल? यस। जो भी तुमने काटा वाला है दिखाया था। साथ में हम आलू को भी छील लेंगे और कटहल के साथ ही इसे भी उबाल लेंगे। तीनों आलू को छील लिए हैं और एक बार अच्छे से धो लिए हैं। ये दूसरे पानी ले लिए हैं। कटहल डालते वक्त हमने थोड़ा सा पानी डाल लिए थे, आलू को भी डाल लेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर ताकि कटहल हमारा काला ना पड़े। 1/2 टेबल स्पून नमक, अंदर तक नमक चला जाएगा इससे। कुकर का ढक्कन लगाकर 4 सीटी आने तक इसे हम कुक करेंगे। उसके बाद लो फ्लेम करके 2 मिनट और करेंगे कुक। गैस हमने चालू कर लिया है। जब तक हमारा कटहल उबल रहा है तब तक हम मसाले रेडी कर लेंगे। प्याज को छील लिए हैं तो एक बार अच्छे से इसे धो लेंगे। अब इसे बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। प्याज को हमने चॉप कर लिए हैं। टमाटर को मिक्सी जार में चॉप कर लेंगे। इसका प्यूरी बनाएंगे। टोटली हमारा 5 सीटी लग चुका है, तो फ्लेम को हम लो पे करके 2 मिनट और पका लेंगे। गैस को बंद कर लेंगे। 5 मिनट हमारा
सॉरी 5 सीटी लगने के बाद हमने 2 मिनट कुक कर लिया है। कुकर का सीटी निकाल चुका है तो गैस पर से उतार लेंगे इसे। एक कढ़ाई ले लेंगे, टमाटर में आधे प्याज डालकर साथ में ही पीस लेंगे इसे भी। टमाटर प्याज का प्योरी पीस कर रेडी है। प्याज हमने थोड़ी डाला था इसलिए तो साथ में ही पीस लिया। कटहल को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। आलू कटहल को हमने कुकर से निकाल लिए हैं, तेल गर्म हो गया है तो ऐड कर लेंगे। सारे कटहल को हमने एक साथ रख लिए हैं और यहाँ पे फ्लेम को हम हाई रखेंगे, नहीं तो कटहल हमारा तले में लग जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे तो चिपकेगा नहीं नीचे, ब्राउन होने देते हैं नीचे से। इसे थोड़ी सी कलर चेंज हो गया है तो इसे इस तरह से पलट लेंगे। एक बार पलटते पलटते हम अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। जितने अच्छे से इसे उबाले थे उतने अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, तभी हमारी कटहल स्वादिष्ट बनेंगे। अच्छी तरह से कटहल हमारी भुन गई है, देख सकते हैं कलर इसका गोल्डन ब्राउन आ गया है। हम हाई फ्लेम पे इसे तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए, ऐसा फ्राई करना है। थोड़ा सा और हम इसे डार्क कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो गया है, कटहल गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी हमारी नॉनवेज के फेल करने वाला है, आगे जाने वाला है, टक्कर भी नहीं देने वाला, आगे जाने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। इस तरह से हम इसे जितने अच्छे से उबाले हैं उतने अच्छे से इसे फ्राई भी करेंगे। फ्राई करने में कंजूसी की है तो थोड़ा सा ही फीका पड़ जाता है। यहीं पर हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हमने फ्राई कर लिए हैं, ऊपर से देखिए गोल्डन हो गया है। आलू भी अच्छे से गोल्डन हो गया है तो इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लिए हैं, फौरन ऐड करेंगे थोड़े से खड़े मसाला, जीरा सजीरा, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता, सभी को चटकने देंगे अच्छे से। मसाले हमारे चटक गए हैं तो प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम इस तरह से रफ कर देंगे तो ये सारे लच्छे खुल जाएंगे और बहुत जल्दी ये कलर चेंज हो जाएगा इसका। तेल में बहुत हीट था इसलिए हमने पहले से हींग नहीं डाले थे, क्योंकि पहले हींग डालते तो तेल जल जाता हमारा और ये भी। तो अब हम डाल लेंगे इसे लहसुन अदरक का पेस्ट, हींग, इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहीं पर हाफ टेबल स्पून नमक यूज़ करेंगे ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए, तुरंत भुन जाए, नमक से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है प्याज। अदरक कर लेंगे, लो फ्लेम पर इसे भुनेंगे। 1 मिनट बाद इसे खोलकर चेक कर रहे हैं, प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसे हम ब्राउन करने तक भुनेंगे। ब्राउन होने तक इतना भुनेंगे कि प्याज का महक नहीं रहेगा। इसे खोलकर चेक कर रहे हैं, प्याज हमारा थोड़ी सी पक गई है और तेल भी छोड़ दिया है। 1 मिनट के लिए खुले में ही भून लेते हैं इसे। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पर भी हम 1/4 चौथाई टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, 1/2 टेबल स्पून लहसुन कांदा मसाला डालेंगे। कांदा मसाला पूरी तरह से ऑप्शनल है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच और डाल लेंगे। धनिया पाउडर की मात्रा ज़्यादा रहती है तो अच्छा रहता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ध्यान रहे मसाला डालते वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे, नहीं तो एक बार में धुआं उठकर मसाला हमारा जल जाएगा। 1 मिनट हमने मसाले को भून लिए हैं, सूखे ज़्यादा नहीं भून सकते नहीं तो जल जाएगा। यहीं पर हमने टमाटर प्याज का प्योरी डाल लिए हैं और अच्छे से इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर। मसाले को हम कवर कर लिए थे, 2 मिनट हो चुका है तो एक बार खोल कर चेक कर रहे हैं। बीच बीच में हम चलाते हुए इसे भूनेंगे अच्छे से, लगातार छोड़ेंगे नहीं तो हमारा मसाला नीचे से जल जाएगा। मसाले में पानी कम लगे तो
तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर भुनेंगे। मिक्सर जार हम क्लीन करते हुए इसमें पानी डाल लिए हैं थोड़ा सा, और फिर से इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट हो गया, फिर से खोल कर चेक करें। यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है, हाई टू मीडियम कर देंगे। जब हमने पेस्ट डाला था तभी हाई रखा था, उसके बाद थोड़ी भुन जाने के बाद लो कर दिए थे। अभी पानी डालकर, वाओ देखिए मसाले का हमारा कलर कितना मस्त आया है। जब हम टमाटर का प्यूरी डाले थे तब हम फ्लेम को हाई पे रखे थे, उसके बाद 2 मिनट बाद लो पे कर दिए। अभी हम हाई टू मीडियम पे मसाले को भून रहे हैं। मसाले भुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखता है कि मसाले हमारा कैसा भुनता है वैसा ही सब्ज़ी बनता है। मसाले भुनते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है। 2-2 मिनट पर हम इसे लगातार खोलते चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला हमारे नीचे से लग जाएगा। इसके मसाले हमारे कितने अच्छे कलर रेडी हुए हैं। इसे भूनते हुए हमें 7-8 मिनट हो चुका है। 5 मिनट इसे हम और भूनेंगे। 2 मिनट हम इसे खुले में भून लिए हैं। अब सब्जी डाल लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आलू को थोड़ा इसके से क्रश कर लेंगे। अच्छे से इसे मिला लेंगे इस तरह से। देखिए सब्जी का लुक अभी से ही कितनी अच्छी दिख रही है। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 टेबल स्पून के आसपास। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से कोट हो जाए सब्जी में इस तरह से। 1 मिनट के लिए ढक लेंगे, केवल 1 मिनट के लिए ही। 1 मिनट बाद इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से कोट हो चुका है। टोटली हम इसे 15 मिनट भून लिए मसाले को। पारी है पानी डालने की, तो पानी डालेंगे हम जो कटहल में पानी डाले थे ना, कटहल उबाल कर जो हमारा पानी बचा था वही पानी यूज़ करेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। पूरा हमारा 2 कटोरी पानी था, थोड़ा सा कम है, दूसरा पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। आलू हमारा ग्रेवी को जल्दी ठीक कर देता है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो हम 1 कटोरी पानी और डाल दिए। अभी इसे 5 मिनट कुक करना बाकी है। जब आपको लगे कि सब्ज़ी हमारी ज़्यादा ठीक है तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर लीजिए अलग से, जितना लग रहा है। कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। कुक करते हुए हो गया इसे 5 मिनट। बीच में हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लिए थे। यहीं पर हम गैस को ऑफ कर लेंगे, सर्व कर लेंगे सब्जी। वाह सब्जी का लुक देखिए, कितनी प्यारी कलरफुल हमारी सब्जी बनकर रेडी हुई है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। क्या अब तुम्हारा काम हो गया? यस बेटा हो गया। देखिए है ना, बहुत ही मज़ेदार कलरफुल यम्मी यूनिक सब्जी। ये नॉनवेज को भी फील कर देने वाला सब्जी है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।